नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और इस मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने गांधी मैदान पहुंचे, जहां मीडिया से उन्होंने कहा कि गांधी का हत्यारा कौन है। उनका इशारा बीजेपी की ओर था और उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम बस यही है, हिंदू मुस्लिम और समाज का विभाजन। सुनिए सीएम ने और क्या क्या आरोप बीजेपी पर लगाए। एक किया गया, लोगों को जोड़ करके रखा गया, दो हिस्सा में बट गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर सब हैं तो कभी हिंदू मुस्लिम का झंझट होना चाहिए? तो कुछ लोग तो इधर उधर करता रहता है, तो बाकी तो जो बापू की बात है उसको तो हमेशा याद रखना है। बापू को तो जब अलगो बन गया तो उसके लिए भी उन्होंने कह दिया कि दे दो उसको, और जब अलग बना ही दिए हो तो उसको पैसा दे दो, और बाकी सब कुछ के लिए वो सब जगह जा करके। तो मेरे तो अभिभावक सब लोग बताते थे कि कहाँ पर आए वो और कैसे एक एक जगह जा करके लोगों को समझाए कि ये सब झंझट मत करो। कोई मुस्लिम से झंझट कर रहा था, बिल्कुल किया, एकदम बचा रहे थे सबको, बताए। और उसके बाद उनकी हत्या कौन किया, काहे के लिए किया, इसीलिए ना हत्या किया जी, कि वो सबको मुसलमानों की भी रक्षा कर रहे थे तो हत्या कर दिया। तब भूलते हैं, आज के दिन उनके हत्या का है, तो कहीं नई पीढ़ी को भूलना है, सबको याद रखना है। तीनों अगर भूलवाना चाहेंगे, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का? इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था अब बिना मतलब का हमको ही करके? और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करें, यही सब चक्कर में, समझ गए ना? इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का, हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज, हम कुछ के क्लेमेंट नहीं, हम कहाँ के लिए रहेंगे? हम तो विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए, मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। और हम लोग तो सबके लिए काम करते हैं, कर रहे हैं, इतने दिन से कर रहे हैं, 17 साल से करने का मौका दिया, भी कर रहे हैं, और केंद्र में भी थे तक किया, जो कुछ भी था, लेकिन इन लोगों का क्या है? आई लोग सब भूल रहे हैं, जब अटल जी की सरकार थी तो कितना रेलवे का काम हुआ था, है कितना ज्यादा हुआ था। अब आजकल तो सब चीज को भुलाइएगा, रेल का अलग बजटे खत्म कर दिए, अरे ये सब चीज तो होना ना चाहिए। तो ये सब तो अपने ढंग से चलाते हैं ना, सब चीज में देख ले, अब तो रोज अखबार देखते हैं, अब पढ़ने का तो कैसा लगता है, सब देखिए तो क्या न्यूज रहता है, देख ना लीजिए, खाली उन्हीं लोगों का न्यूज रहता है।